जिनको मालूम है वो तो देखो कूद कूद के गा रहे हैं, वो जानते हैं कि वो कौन है। अब आपको पता लगेगा तो आप भी ऐसे कूद के गाएंगे। खटुवाला बोलो श्याम और श्याम के भक्तों की, मंदिर में वास करो तुम दूर करो करो हाथ में कोई दुख तकलीफ नहीं लगी रहो, जाने किसकी दृष्टि पर पड़ रहा है, दोनों हाथ उठा करके और ताली की सेवा करते हुए जा रहा है। 14 बरस का बालक जैसे ही युद्ध के नजदीक पहुंचे, भगवान कृष्ण अपने शिविर में शयन कर रहे थे। सुबह सुबह का समय था, भगवान की आंख अचानक खुली और एकदम से उठ करके बैठ गए। ये बालक आ रहा है, ये भीम का पोत्र है, ये सोच के तो आया है कि हमारी तरफ से लड़ेगा, लेकिन अब तो बात उल्टी हो गई है। बिल्कुल क्यों हुई उल्टी? जब घर से चले थे तो पांडव हार रहे थे और कौरव जीत रहे थे, लेकिन जब युद्ध में पहुंचे तो पासा पलट चुका था
अब कौरव हार रहे थे और पांडव जीत रहे थे, तो भगवान ने सोचा कि ये अपनी माता को जो वचन देके आए हैं ये उस वचन को निभाएंगे और ये तो कौरवों की तरफ चले जाएंगे, जो कि इन्होंने कहा मैं तो हारे हुए की तरफ जाके खड़ा होऊंगा। तो भगवान वहां से सीधा उस रास्ते पर प्रकट हो गए जहां से वो बालक आने वाला था। जैसे ही सामने से नीले घोड़े पर सवार वो बालक आया, अब देखना आप कि हम लोग कहते हैं कृष्ण भगवान की, अरे कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, लेकिन देखो भगवान भक्त के लिए क्या कह रहे हैं। बालक को देख के बोले जजमान की जय हो, ब्राह्मण का रूप धर लिया और बोले जजमान की जय हो। बालक मुस्कुराया, क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? बोले मैं जो लेने आया हूं उसे देने की ताकत है? बोले पांडु पुत्र भीम का पोता हूं, क्षत्रिय हूं, मुंह से निकालो जो आप कहोगे मैं वचन देता हूं। भगवान ने कहा देखो पीछे तो नहीं हट जाओगे? बोले नहीं हटूंगा, मांगी ब्राह्मण देवता। तो भगवान ने कहा बालक मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। बोलो खाटू नरेश की जय। बालक एक पल को जो थोड़ा चुप हो गया तो भगवान बोले क्या हुआ, डर गए? नहीं दोगे वचन से फिर जाओगे? बोले नहीं, मेरे शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता है। आप अपने असली स्वरूप में आकर के मुझे दर्शन दीजिए, मैं पल भर नहीं लगाऊंगा आपको शीश का दान आपके चरणों में भेंट करूंगा। भगवान ने शंख चक्र गदा पदम धारी रूप प्रकट किया, बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। शंख बजने लगा, घड़ियाल बजने लगे, बालक अपने घुटनों के बल बैठ गया। बच्चे बैठ जाओ, ऐसे बैठा, अपने ही तीर से अपना शीश काटा और दोनों हाथ में लेकर के भगवान के समक्ष ऐसे बैठ गया। प्रभु बोलो शीश के दानी की जय। शीश अपना काट कर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान बड़ा दुखी हुए, चारों तरफ रक्त रक्त फैल गया। ये मैंने छोटे से बालक से क्या मांग लिया, क्या मांग लिया मैंने? तो भगवान बोले बेटा, बरबरी की आंखों में भी आंसू थे। बोले क्यों शीश का दान देके रो रहे हो? बोले नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे शीश की इतनी कीमत कि जिसको मांगने के लिए भगवान को आना पड़ा, ऐसा क्या कारण है? तो भगवान ने जो उत्तर दिया, मेरे भाई बहन आप अपने हृदय में बसा के रखना और अपने बच्चों को बताना, रोज उठ करके बताना। संकीर्तन कभी भी किसी भी धर्म या मजहब को बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होते हैं, लेकिन अपने बालक को अपना धर्म जरूर बताना कि हम किस संस्कृति से हैं। भगवान बोले बर्बरी ये युद्ध जो है ये दो पक्षों की लड़ाई नहीं है, ये जमीन के बंटवारे की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई है अधर्म के साथ, और ये युद्ध एक शीश का दान मांग रहा है। वो शीश या तो अर्जुन दे दे तो धर्म हार जाएगा और अधर्म जीत जाएगा, या वो शीश मैं दे दूं धर्म हार जाएगा अधर्म जीत जाएगा, और यह वो शीश तुम दे दो तो धर्म जीत जाएगा और अधर्म की हार हो जाएगी। कुछ मांग लो। बालक बोला जिसके सामने याचक बनकर के दया निधान ही खड़े हो उसको क्या मांगने की आवश्यकता? आप मुझसे मांग रहे हैं,
जिसके सामने भगवान ने ऐसे किया वो कह रहे कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने कहा लेकिन मैं अब देना चाहता हूं। रहते संसार तक जब तक ये दुनिया रहेगी कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। एक बार को मैं किसी की परीक्षा जरूर ले लूं लेकिन तुम्हारे दरबार पर जो कोई हार के आएगा वो लौट करके हारा हुआ नहीं जाएगा, वो जीत करके जाएगा। बोल हारे के सहारे की जय। अब जितने भक्त यहाँ खड़े हैं उन सबको ये पता हो कि इनको हारे का सहारा क्यों कहा जाता है, इनको तीन बाणधारी क्यों कहा जाता है, इनको शीश प्रदानी क्यों कहा जाता है। अगर उस दिन इन्होंने शीश न दिया होता तो दुर्योधन जीत गया होता, धर्म की हार हो जाती। हालांकि ऐसा होना नहीं था क्योंकि भगवान जिसके आगे खड़े हैं वो कभी हार नहीं सकता। कैसा चक्कर चलाया रे